हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस एम देवड़ा बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर की फोर्थ यूनिट को कंटिन्यूस लेते हुए बीटा गामा फंक्शन आपको पढ़ाया है। अब इसमें आपके आता है कि डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन चिन्ह के अंतर्गत अवकलन करना, और फिर दूसरे टाइप के आपको होता है समाकलन के अंतर्गत समाकलन करना। दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और जो आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक पार्ट में से मिलेगा। तो ये होने के बाद में मैं आपको एक बार यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो एक भेजूंगा, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं, जिसे पिछले साल अभी हुआ है वो आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि समाकलन के अंतर्गत अवकलन करना, मतलब अभी तक आपने क्या किया है, समाकलन एक बार दो बार जो भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफरेंशिएशन दो बार करना, यही किया है। अब समाकलन के अंतर्गत अवकलन करना है, तो आपको इसमें जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि मान ज्ञात कीजिए, यह वहाँ पे आपका होगा, और इसके साथ में हमें से एक निगमन डिडक्शन पार्ट भी आएगा। तो आपको क्या करना है, देखो निगमन सबसे ईजी है, जो क्वेश्चन दे रखा है और निगमन में दोनों में क्या अंतर है, कौन सा पार्ट नहीं है, जैसे इसमें e की पावर माइनस एक्स नहीं है, तो आपको पता अगर e की पावर में है तो हमेशा x तो जीरो कर नहीं सकते, तो a का मान जीरो कर दो तो आपके ये पार्ट आ जाएगा। और अगर आपके e की पावर में नहीं है और सपोज ये x a की पावर x होता तो आपको a बराबर वन पुट करना होता। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, निगमन पार्ट है वो जो आपको डेरिवेशन निकालोगे उसी में पुट करना है, और क्या पुट करना है, कौन सा पार्ट नहीं है उसके, या तो जीरो आएगा या वन। अब हम इसको अपने जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है तो इंटीग्रेशन को क्या मानते हैं अपने, इन जनरल आई मानते हैं, तो आप माना आई बराबर जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स बटा एक्स डी एक्स। अब इसको अपने के डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन को आई मानकर एम के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अभी तक अपने अवकलन किया है या तो एक्स के या वाई के या जेड के, अब यहाँ एम के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं। इस टाइप के सवालों में एक ही ध्यान रखना है कि आपके हर में जो संख्या होती है उस संख्या को अपने को एलिमिनेट करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में हर का कोई फॉर्मूला नहीं है सब्स्टिट्यूशन के अलावा, और सब्स्टिट्यूशन इसमें लागू नहीं होगा। तो हर में जैसे x है तो अपने पास यहाँ पे e की पावर माइनस ए एक्स है, अगर x के सापेक्ष करते हैं तो ए आएगा। अब आपका दूसरा फैक्टर है साइन एम एक्स, तो साइन एम एक्स का अगर अपने x के सापेक्ष करेंगे तो m आएगा, जबकि अपने को काटना क्या है, x काटना है, इसलिए हमने किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है, एम के रेस्पेक्ट में। तो इसमें जो भी वेरिएबल या कांस्टेंट होंगे उसका अपने को याद देखना है कि कौन से पार्ट का डिफरेंशिएशन करने पर अपने हर में जो संख्या दे रखी उसको अपने एलिमिनेट हो सके, इसलिए इसका डी आई बटा डी एम निकाला। तो जीरो से इन्फिनिटी डी बटा डी एम ई की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स बटा एक्स और डी एक्स, जब अपने करेंगे एम के रेस्पेक्ट में तो ई की पावर माइनस ए एक्स और एक्स अपने कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले आओ, तो जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स बटा एक्स और साइन एम एक्स का हो जाएगा एक्स कोस एम एक्स डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आपके बचा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स कोस एम एक्स डी एक्स। ये आपके रिजल्ट अभी बीटा गामा फंक्शन में लास्ट में प्रूव किया था कॉम्प्लेक्स नंबर लेके जेड बराबर ए प्लस आई टबी। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका डायरेक्ट वैल्यू रखो ई की पावर माइनस ए एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ए कोस एम एक्स प्लस एम साइन एम एक्स, और लिमिट कितनी है जीरो से इन्फिनिटी। आपको जो फॉर्मूला किया था उसमें e की पावर माइन e की पावर ए एक्स था कोस बी एक्स था, तो यहाँ पे बी की एम की जगह बी की जगह एम रखना है। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे जीरो इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है तो सारी वैल्यू जीरो हो गई। फिर एम बराबर, क्योंकि एम का मान रखना है ना कि एक्स का, और यहाँ पे भी आपको इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपके यहाँ एक्स बराबर जब जीरो करेंगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी केवल ए बटा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसमें अपने को अगेन जब आपके डी आई बटा डी एम क्या आ गया, ए बटा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब इसका अपने को क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल जो आपने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन में ट्वेल्थ में, डी आई बटा डी एम है तो ए बटा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, तो आपने को यहाँ पे डी आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एम बटा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो आई डी आई का तो आई हो गया, जीरो से लिमिट अपने लेनी नहीं है, ए ऊपर तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर डी एम,
अब अपने को पता है कि ये जो फॉर्मूला है, ए कॉन्स्टेंट को बाहर लिया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बढ़ता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे वन ए बाहर था, ए इंटू वन अपॉन ए टेन इनवर्स अपॉन ए प्लस सी, ए से ए कैंसिल। अब आपकी इनिशियल कंडीशन क्या होती है, हर सवाल में इनिशियल कंडीशन एम बराबर किसके रेस्पेक्ट में लिया आपने, एम बराबर जीरो, आई बराबर जीरो, तो सी का मान जीरो। तो आपके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स बटा एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एम अपॉन ए। अब ये फॉर्मूला भी है आगे स्टैंडर्ड में काम आता है। अब अपने को करना है कि इसमें क्या वैल्यू पुट नहीं है, इसमें इसमें आपके पास ए का मान नहीं है, तो मैंने बताया था ए बराबर जीरो पुट करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड पार्ट हो गया, क्योंकि किसी की पावर जीरो माइनस में हो चाहे प्लस में हो वैल्यू वन। तो अब इसमें अपने करेंगे तो ए बराबर जीरो जैसे ही पुट करेंगे तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू। तो इसका रिजल्ट ये पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट आपका है जो 2013 में आया, उसमें अपने को दे रखा है कि सिद्ध कीजिए जीरो से इन्फिनिटी। जब सिद्ध कीजिए जब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसा अनसोल्ड सवाल भी है, जीरो से इन्फिनिटी टेन इनवर्स ए एक्स बटा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू लॉग वन प्लस ए, ए ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो आपको क्या करना है, इसमें वही वापस आई मानना है, आई के रेस्पेक्ट फिर इसको डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब ए क्योंकि है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आपको यहाँ पे एक्स कट सकता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, तो एक्स को काटना है। तो जैसे करेंगे डी आई बटा डी ए तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा और टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका अपने को करना है पार्शल फ्रैक्शन, पार्शल फ्रैक्शन आपको आता है ए अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, उससे अपने को ए और बी का मान निकालेंगे। तो ए का मान आपके आएगा कैपिटल का वन अपॉन ए वन अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर, और कैपिटल बी का मान आएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर लेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला पार्ट का टेन इनवर्स एक्स है, दूसरे पार्ट का ए टेन इनवर्स ए एक्स आ जाएगा, और अपने को इसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे, लिमिट रखेंगे, अपने लिमिट रखेंगे तो जीरो से इन्फिनिटी किताब। इसमें आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रिंट में लिमिट नहीं आई है जीरो से इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी लिमिट रखेंगे तो आपके एक पाई बाई टू हो जाएगा, ए पाई बाई टू, तो कहने का अर्थ ये कट के आपके डी आई अपॉन डी ए बराबर पाई अपॉन टू वन प्लस ए, और यहाँ पे लिमिट भी दी भी है एक्स टेंस टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स ए एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अब अपने पास इसको क्या किया है, वापस डी आई बटा डी ए जैसे पहले एग्जांपल किया उसी प्रकार इसको वापस करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके हो जाएगा डी आई बराबर पाई बाई टू डी अपॉन वन प्लस ए, और इंटीग्रेशन करेंगे डी आई बराबर दोनों का तो अपने यहाँ पर आ जाएगा वन बाई पाई बाई टू लॉग वन प्लस ए प्लस सी। मैंने क्या बताया था, प्रारंभिक कंडीशन जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको जीरो मान लो, आई भी जीरो तो सी का मान जीरो, तो आपका आई का मान आ गया पाई बाई टू लॉग वन प्लस ए। अब क्वेश्चन नंबर जो तीन है वो आपका है जीरो से इन्फिनिटी लॉग वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें भी वापस वही, अब यहाँ पे देखो एक्स नहीं है हर में, फिर भी अपने को इसका रेस्पेक्ट में किस में करना है, ए के रेस्पेक्ट में, अंश में जो होता है उसी फैक्टर के लेना है, डी आई अपॉन डी ए लिया तो आपका एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा टू एक्स ए स्क्वायर बटा वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आपके ये दो फैक्टर आ गए दोनों का। फिर वापस वही पार्शल फ्रैक्शन करना, तो कैपिटल ए का मान जब ए और बी का मान निकालते हैं आपने किया इंटीग्रेशन में, तो ए का मान आएगा टू ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी का मान आएगा माइनस टू ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तो 2a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके लिमिट है जीरो से इन्फिनिटी, सोल्व करना है तो कहने का था डी आई बटा डी ए का मान पाई अपॉन बी ए प्लस बी। अब इसका वापस वही वेरिएबल सेपरेबल से इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई बी लॉग ए प्लस बी से। अब वही इनिशियल कंडीशन क्या थी, a बराबर जीरो आई बराबर जीरो, तो a का मान आ गया, देखो पीछे जितने भी पार्ट के उसमें अपने c का मान जीरो आ रहा था परंतु इसमें a का मान आ रहा है, तो a या यहाँ के देखो किताब में दिया है सी और यहाँ पे ए है, तो यहाँ ध्यान रखना या करेक्शन करना है ये सी नहीं रहेगा, तो सी का मान आ गया माइनस पाई बाई पाई अपॉन बी लॉग बी, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर चार सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट है इसमें आपको त्रिकोणमितीय फॉर्म में याद हो तो ऐसा कैसा अनसोल्व क्वेश्चन भी है, आपको वैल्यू निकाल लिया आई माना, फिर इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, अल्फा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कॉस एक्स है तो कॉस एक्स कैसे कटेगा, कॉस अल्फा और कॉस एक्स है, अल्फा के रेस्पेक्ट में किया तो डी आई अपॉन डी अल्फा है, यहाँ पे प्रिंटिंग में गलत है, जीरो से पाई बाय टू साइन अल्फा बटा वन प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स कैंसिल हो गया माइनस साइन अल्फा। अब इन साइन कॉस को टेन के फॉर्मूले
आपने पढ़ा होगा साइन एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स बटा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कोस एक्स इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और वो दोनों फॉर्मूले लगाने और अल्फा का भी फॉर्मूला लगाना है, लगा के इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो आपके माइनस कोट अल्फा बाई टू टू जीरो टू पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कोट स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये पार्ट कॉमन लिखे और इसको करेंगे, और साइन अल्फा को लिखेंगे टू साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू, और नीचे कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू अपने कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो गए, कोट अल्फा बाई टू जीरो से पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड में सेक कोट स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है, इसमें पूरे को टी पुट करेंगे तो टेन एक्स बाई टू को टी पुट किया तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स डी टी और वन बाई टू, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कोट अल्फा बाई टू टू कोट अल्फा बाई टू टेन इनवर्स फॉर्मूला, या सीधा वापस वही फॉर्मूला भी लगा सकते हैं वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का, तो इसमें कैंसिल होकर क्या वैल्यू होगी तो डी आई अपॉन डी अल्फा इक्वल टू माइनस ए, तो आपके इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई बराबर माइनस एक बटा दो अल्फा स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या लिए पाई बाई टू, क्यों लिया है क्योंकि अपने पास जो भी पीछे सवाल थे उसमें जीरो ले रहे थे, यहाँ पे ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है इसमें अपने कहाँ से लिया तो आई अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू आई इक्वल टू जीरो सी बराबर पाई स्क्वायर बटा एट और ये वैल्यू निकाली। एग्जाम्पल नंबर पाँच है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो जीरो से पाई बाई टू लॉग वन माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई लॉग वन प्लस रूट वन माइनस ई स्क्वायर बटा जेड, तो आपको इसमें क्या करना है वही आई मानना है, फिर इसमें किसके रेस्पेक्ट में करना है ई के रेस्पेक्ट में, तो हमेशा ध्यान रखना कांस्टेंट कौन सा दे रखा है उसी को लेना है, तो डी आई बटा डी किया और इसको किया तो इसमें एक जोड़ा और घटाया, फिर इसके अलग अलग पार्ट्स किए, पार्ट्स करके इसको कन्वर्ट किया और आपके यहाँ पे कोट में बनाया, पीछे टेन में बनाया या कोट में बनाया, कोट बना के इसका इंटीग्रेशन करना है और वही वापस सिमिलर मेथड चलेगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर चार और क्वेश्चन नंबर छः दोनों एक ही जैसे हैं, उसी हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे एक प्रिंट में मैंने वैसे करेक्शन कर दिया, आई है एफ ए नहीं होता आई होता है, और इसको सॉल्व करना है। अब लास्ट पार्ट जो आपका इसमें क्या है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, ये आपके अनसोल्व क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो जैसे दे रखा है जीरो से वन एक्स की पावर अल्फा माइनस वन बटा लॉग एक्स डी एक्स, वही वापस एफ अल्फा मानो या आई मानो, कुछ किताबों में आई मान तो इंटीग्रेशन को अपने आई मानते हैं तो आई मानना है यहाँ पे भी आपको, और इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो आपके हो जाएगा ये अल्फा निकाला, अल्फा निकाल के इसकी वैल्यू निकाली तो वन प्लस अल्फा, अब इसका रेस्पेक्ट कौन सा डी आई अपॉन डी अल्फा है तो वन अपॉन वन प्लस अल्फा, इसको वेरिएबल सेपरेबल से इंटीग्रेशन करना है और इसको सोल्व करना है, और ये लिमिटिंग वैल्यू दे रखी आपको इनिशियल कंडीशन, उससे अपनी वैल्यू निकाली और अपने को कांस्टेंट का मान निकाला, तो इस स्टेप आई के अब नेक्स्ट में आपको आपके इसके कंटिन्यूस जो यूनिट है उसका पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।